क्वेश्चन नंबर 47, AFS लिमिटेड इज अ रिस्क एडवाइजरी फर्म एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी WBC लिमिटेड टू प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज दैट रिजल्ट्स इन AFS इशूइंग एन ऑडिट अपॉइंटमेंट टू द कंपनी। तो जो AFS लिमिटेड है वो एक रिस्क एडवाइजरी फर्म है, वो एक कंपनी है WBC लिमिटेड, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है जिसके तहत जो AFS लिमिटेड है उसको ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अपना जो है ऑडिट ओपिनियन कंपनी को इशू करके देना पड़ेगा। द प्रोफेशनल ओपिनियन रिलेट्स टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस दैट आर स्पेसिफिक टू द कंपनी। जो भी वो ओपिनियन देगी AFS लिमिटेड वो जो है वो कंपनी स्पेसिफिक ही होगा, जो दूसरी किसी कंपनी के लिए नहीं है, वो सिर्फ WBC लिमिटेड के लिए स्पेसिफिकली। इफ द कंपनी वाज़ टू टर्मिनेट द कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीजंस अदर देन द एंटिटीज फेलियर टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू कंपनसेट द रिस्क एडवाइजरी फर्म फॉर इट्स कॉस्ट इनकर्ड प्लस अ 15% मार्जिन। कहते हैं कि अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है अदर देन द रीज़न डैट द एंटिटीज फेलियर्स टू परफॉर्म एज प्रोमिस्ड, कि अगर कंपनी कहती है कि आप अच्छे से रिस्क एडवाइजरी मतलब हमें नहीं दे रहे हो, ऑडिट हमारे अच्छे से नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा अगर कंपनी किसी और कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करती है तो कंपनी को अभी तक जो भी रिस्क एडवाइजरी फर्म ने जो भी कॉस्ट इनकर किया है वो देना पड़ेगा प्लस उसके ऊपर 15% मार्जिन जो है वो AFS लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। जो 15% मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन है उनका, ठीक है। वेदर रिस्क एडवाइजरी फर्म्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो तीन कंडीशन होते हैं पीरियड ऑफ ओवर टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि जो ये जो रिपोर्ट जो बना रहा है, जो भी एसेट जो भी बनी है, वो उसका अल्टरनेट उसका कोई और यूज़ हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो तो इससे स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट ये लोग ओपिनियन दे रहे हैं ना, उसका किसी उस जो ऑडिट रिपोर्ट ने जो तैयार की होगी किसी और कंपनी के लिए उसका अल्टरनेटिव यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। प्लस जो एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए, जो कि आपने अमाउंट पे नहीं किया उसको रिकवर करने का, यानी पेमेंट रिकवर करने का एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एनफोर्सेबल राइट है कि आपको कॉस्ट प्लस 15% जो मार्जिन मिलेगा, यानी दोनों चीज़ें हमारी पूरी हो गई, यानी अल्टरनेटिव यूज़ है नहीं ऑडिट ओपिनियन का, प्लस एनफोर्सेबल राइट है कि वो अपने पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, यानी कॉस्ट प्लस मार्जिन में रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन पूरी हो गई, तो ये जो पीरियड जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसे हम कहेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये मैट हो रही है।